बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपके लिए एक बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। सर्दियों में सरसों का साग और मकई की रोटी ना बनाई जाए तो सर्दियों का मज़ा ही पूरा नहीं होता। तो आज मैं आपको सिखा रही हूँ सरसों का साग और मकई की रोटी। तो दोनों अलग अलग वीडियोज़ हैं। मकई की रोटी का लिंक आपको कार्ड में मिल जाएगा। तो इसके लिए जो इन्ग्रीडियंट्स हमको चाहिए हैं और जो तरीका है, तो चलिए आइए उसे देख लेते हैं। सरसों का साग बनाने के लिए मैंने 2 किलो सरसों का साग लिया था। उसको साफ़ करके डंडियाँ हटाने के बाद ये तकरीबन 1.25 किलो बचा है। बहुत अच्छे तरीके से 2-3 पानियों से धो के रखा है मैंने इसको। साथ ही इसके अंदर मैंने 1 पाव बथुआ लेके उसकी भी पत्तियाँ तोड़ ली थी। मेथी ली थी लेकिन आधा पाव मैंने पत्तियाँ तोड़ी हैं इसकी। तो आप मेथी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो पालक इस्तेमाल कर सकते हैं, बथुआ नहीं करना चाहते तो भी पालक कर सकते हैं, यानी इन दोनों में से किसी एक को आप पालक से बदल सकते हैं। तो एक पतीले के अंदर मैंने पानी जोश करने के लिए रखा है, इसे मैं कवर कर रही हूँ और जोश दे रही हूँ। पानी बहुत अच्छे तरीके से बॉयल हो गया। अब मैं इसके अंदर साग डाल रही हूँ। तो पहले ये मेथी और बथुआ डाल देती हूँ और उसके बाद हम डालेंगे सरसों। और ये पतीली भर जाएगी तो इसमें कोई मसला नहीं है, थोड़ी देर में ये सब साग नीचे बैठ जाएगा। तो बाकी का बचा हुआ मैं फिर दोबारा डाल दूंगी इसी के ऊपर। तो देखिए 30-40 सेकंड के अंदर ही अच्छा खासा नीचे आ गया है। अब हमारे बाकी के साग के लिए जगह बन गई है। तो देखिए 2 मिनट के अंदर ये ब्लांच हो गया है। अच्छा कलर भी इसका बिल्कुल फाइन है अपनी जगह पे। तो अब हमने क्या करना है, स्टोव ऑफ कर देना है और एक हमने प्याले, बड़े प्याले के अंदर छन्नी लगा के रखी है, यानी स्ट्रेनर लगा के रखा है। और अब हम इसके ऊपर इसे इस तरीके से डाल लेंगे। सारे साग मैंने पीस लिए हैं और इनको पीसने में 1.5 गिलास पानी इस्तेमाल हुआ है। तो उसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि हमें इसको आधे घंटे के लिए पकाना है, तो ये पानी जो है खुद ही रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर 1 पूरी गट्ठी लहसुन की लेके उसमें से आधा हम भगार के लिए इस्तेमाल करेंगे और आधा हम हरी मिर्चों और अदरक के साथ ग्राइंड करेंगे। अदरक का ये 2 इंच का काफ़ी बड़ा टुकड़ा है, इसमें से भी हम एक हिस्सा चॉप करके रखेंगे और बाकी 2 हिस्से हम इसमें से ग्राइंड कर लेंगे। 1 बड़े साइज़ की प्याज, 3 टमाटर ये छिलका उतार के चॉप करके इस्तेमाल होंगे दोनों चीज़ें। इसके अलावा इसमें 1.5 टीस्पून नमक जाएगा, 2 टीस्पून ज़ीरा जाएगा, 1 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी और 3/4 कप से लेके 1 कप तक इसके अंदर देसी घी का इस्तेमाल होगा। ये देसी घी में बनता है, ये मेरा घर का बनाया हुआ देसी घी है, तो इसकी रेसिपी भी मैं बहुत जल्दी आपको दूंगी। इसके अलावा हम इसके अंदर थोड़ा सा बटर भी इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम इसके अंदर रू बनाएंगे मकई के आटे से। ये किस तरह बनता है ये मैं आपको बताऊंगी आगे जब प्रोसेस हो रहा होगा। उसके अलावा भगार के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, देसी घी, ज़ीरा और उसके अलावा बहुत सारा चॉप किया हुआ लहसुन। इसमें बहुत सारा लहसुन भगार के अंदर इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले मैंने तकरीबन 2 डिश के चमचे घी निकाल के इसको गर्म कर लिया है। इसमें सबसे पहले प्याज जाएगी, अच्छे तरीके से हम इसे सॉटे करेंगे थोड़ी देर के लिए इस तरीके से कि थोड़े थोड़े से इसके एजेस जो हैं वो थोड़े से गोल्डन होने लगे। जैसे ही अनियन थोड़ी सी ब्राउन होने के ऊपर आई है मैं इसके अंदर ज़ीरा डाल रही हूँ। सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे मिक्स कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसके अंदर ये तकरीबन 3-4 टेबल स्पून कॉर्न मील है ये डाल देती हूँ इसके अंदर। अब हम इसे इसके साथ भुनेंगे, थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर करेंगे इसको भून के। तो ये भुन गया अच्छे तरीके से 2 मिनट के अंदर ही। अब मैं इसके अंदर ये हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। पानी डालूंगी थोड़ा सा, 2 मिनट इसे भी हम इसके साथ ही पकाएंगे। और अब हम इसके अंदर ये चॉप किए हुए टमाटोज डाल देंगे, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और अब इसके बाद जिस जग के अंदर मैंने ये सारा ग्राइंड किया था उसमें 1 गिलास पानी का डाल के वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से
और अब कवर करके धीमी आंच के ऊपर मैं इसे 5 से 7 मिनट पका लूंगी। तो 10 मिनट मैंने टमाटरों को भी अच्छे तरीके से मकई के आटे के साथ पका लिया है, थोड़े से ये सॉफ्ट हो गए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे तमाम साग जो हमने पीस के रखा है, साथ ही डालेंगे हल्दी और नमक डाल देंगे। अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। और अब हम इस साग को एक जोश आने देंगे और उसके बाद हम आधे घंटे से लेके तकरीबन 40 मिनट तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे। ये इसको गलाना वगैरह का मकसद नहीं है, बल्कि इसके अंदर तमाम जायके जो हैं वो अच्छे तरीके से इन्फ्यूज हो जाएं, इसलिए हम इसको थोड़ा देर तक पका रहे हैं। और मुझे ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें मैं 1 गिलास पानी और डालूंगी। इसे जोश आने देते हैं, कवर कर देते हैं और फिर तकरीबन आधे घंटे से पका लेते हैं। आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए और इसका सारा पानी जो हमने डाला था वो रिड्यूस हो गया, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इसमें कोई मसला नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चमचा चलाते रहिएगा, वरना तो अगर आपकी नॉन स्टिक पतीली नहीं है तो ये नीचे लग जाएगा, नॉन स्टिक में भी ये थोड़ा सा नीचे बैठने लगता है। तो हम इस वक्त इसे ढकना ढके रखेंगे क्योंकि इसमें से बहुत बबल्स उठ रहे हैं और ये बिल्कुल रेडी है। इस वक्त आपने इसके अंदर नमक चख लेना है, हरी मिर्चें इसके अंदर अगर आपको कम लग रही हैं तो आप 2-4 काट के डाल दीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। और अब हम इसका भगार तैयार करेंगे। तो मैंने घी को गर्म कर लिया है जो मैंने भगार के लिए रखा था। इसके अंदर चला जाएगा लहसुन और अदरक, दोनों को हम हल्का फ्राई करेंगे। लहसुन के लाल होते ही मैं इसके अंदर जीरा डाल दूंगी और बस इसको 1 सेकंड देंगे हम, और हम इसके अंदर भगार लगा देंगे। तो हमने भगार लगा दिया है, अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो हमारा सरसों का साग और मकई की रोटी बिल्कुल रेडी है। इसे प्याज के साथ सर्व कर रही हूँ मैं, थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने गार्निश की हैं और मक्खन डाला है इसके अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका और बनाने में थोड़ा लेंथी है मेथड, लेकिन आसान है बहुत। तो ट्राई कीजिए, यकीनन आपको पसंद आएगा। अपना फीडबैक दिया कीजिए अपने कमेंट्स में, अपने व्यूज़ और सजेशंस मुझसे शेयर किया कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कीजिए। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है, चेक कर लीजिए, वहाँ काफ़ी रिटन रेसिपीज़ हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।